हमारा अल्लाह हक, हमारे रसूल हक, हमारा कुरान हक, हमारा काबा हक, हमारा दीन हक। ये जंग जो हक और बातिल के दरमियान है, इसकी हिस्ट्री बहुत ही तवील और कदीम है। जंग जब भी होती है तो उसका एक सेशन फैसला नहीं करता है। कभी हम देखते हैं कि एक तरफ लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के रास्ते की तरफ बुला रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोग खड़े हैं कि जिनका अकीदा है हमारा जिस्म हमारी मर्जी। खूने हुसैन की कसम, दुनिया है करबला का नाम, लाखों यजीद हैं यहां, कलमाए हक उठा के देख कि अगरचे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम मुल्क बदर जब उनको किया गया तो शहर वालों ने, मुल्क वालों ने, कनान वालों ने, इराक वालों ने यह समझा कि हमारी फतह हो गई और हम बाकी रहेंगे और तबाह बर्बाद हमने अपनी तरफ से कर दिया। माजल्ला माजल्ला सुम्मा माजल्ला अल्लाह के खलील को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। लेकिन ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। हर दौर के यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का, बैत नहीं मिली। और बातिल की औकात ही यही है कि उसने जाना ही होता है, हक के मुकाबले में ठहर नहीं सकता है। कि ये फार्मूला है, ये हकीकत है, ये उसूल है, कायनात का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ला है कि जा अल हक वजहक अल बातिल, के जब हक आता है तो बातिल ने जाना ही होता। कि हम हक को उठाकर बातिल के ऊपर दे मारते हैं और फैयद मगहू तो उसका भेजा, उसका दिमाग जो है वो बाहर निकल आता है। इन बदश रब कल शदीद, बेशक अल्लाह ताला की पकड़ बड़ी सख्त होती है। खुदा के दीन का दुश्मन किसी भी दौर में हो तो कुछ मजीद ना कहना, यजीद कह देना। कितने कम जर्फ हैं ये गुब्बारे, चंद फूकों से फूल जाते हैं, इन्हीं फूकों से फट भी सकते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। नूरे खुदा है, कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। जितनी भी तारीख तरीन रात क्यों ना हो तो सूरज के निकलते ही वो रुखसत हो जाती है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم। معزز حاضرین سامعین اور ناظرین, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस अपनी धुन में मैं आज बैठा हुआ था तो दोस्त सवाल करने लगे। आयत में पढ़ रहा था, यही आयत में पढ़ रहा था तो उन्होंने सवाल कर दिया। तो मैंने कहा कि अब जो मैं आपको जवाब दूंगा इसको ज़रा फैला देते हैं कुछ और इंसानों तक, मेरे जैसे इंसानों तक पहुंच जाए, ताकि शुकूक व शुबात जो हैं, वसवास जो हैं, वह दूर हो सकें। तो आयत मुबारका जो मेरे मुंह से रवां थी, जो मैं पढ़ रहा था, वो यूं है कि वकुल जाल हक व जहक अल बातिल। ये आयत मुबारका सूरह बनी इसराइल की 81 नंबर आयत है और इसका मफहूम इस तरह से है कि ऐ नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए जा अल हक, हक आया, व जहक अल बातिल, और बातिल चला गया।
इन्नल बातिल का नजहूका, और बातिल की औकात ही यही है कि उसने जाना ही होता है, हक के मुकाबले में ठहर नहीं सकता है। ये तो मुख्तसर मफहूम हो गया। अब जनाब ने जो पूछा वो ये है, सवाल बड़ा अहम है, और मैं अपने आका के फरमान के मुताबिक कल्लमुन्नासा अला कद्रे उकूलिहिम कि लोगों से कलाम करो उनकी अक्ल के मुताबिक, तो जैसी रुत होती है वैसा फूल बन जाते हैं हम। हमसे कोई आले इश्क सवाल करते हैं तो हम इश्क के अबवाब में से उसका जवाब उनके सामने पेश करते हैं। आले अक्ल सवाल करते हैं तो हम अकली दलायल व बराहीन उनके सामने लाते हैं। तो आयत मुबारक बहुत बढ़िया तरतीब से ये आयात जब चलती हैं, किसी वक्त इंशाल्लाह वसी वक्त होगा तो फिर तफसील से ना, फिर तरतीब से ये तमाम आयात आपके सामने पेश की जाएंगी कि कितना बड़ा मेरे परवरदिगार का कलाम है और कितने बड़े बड़े मफाहीम इसके अंदर पोशीदा हैं। तो ये 81 नंबर आयत जो है, ये जो आज मैं पढ़ रहा था वो यूं है कि वकुल ए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैका वसल्लम, आप फरमा दीजिए, इतला कर दें तमाम इंसानियत को, बता दीजिए कि ये फार्मूला है, ये हकीकत है, ये उसूल है, कायनात का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ला है कि जा अल हक वजहक अल बातिल, के जब हक आता है तो बातिल ने जाना ही होता है। जैसे चाहे जितनी भी तारीख तरीन रात क्यों ना हो तो सूरज के निकलते ही वो रुखसत हो जाती है, इसी तरह खैर के मुकाबले में शर ठहर नहीं सकता है, उसने जाना ही होता है। हक के मुकाबले में बातिल ठहर नहीं सकता, उसने जाना ही होता है। तो मुझे खुशी है कि हमारे हल्का आबाब में माशाल्लाह पढ़े लिखे हजरात हैं, अप्रोच अपनी अपनी है। तो सवाल मुझसे पूछने वाले साहब ने पूछा और बड़ा बैठे हैं, इंशाल्लाह वो भी सुन लेंगे और साथ मेरा भी भला हो जाएगा, अपने आप को भी मैं रिमाइंड करवा लूँगा। पूछते हैं कि ये समझ नहीं आती कि हक आया और बातिल चला गया, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने तमाम साथियों के साथ शहीद हो गए और बज़ाहिर तो यही नज़र आता है कि बातिल जो हैं, बातिल वो कातिल बन गए और आले हक जो हैं वो शहीदों में तब्दील हो गए। तो वजाहत इसकी क्या करेंगे आप? तो मैंने अर्ज ये करना है आपसे भी, अपने आप से भी और इन साहब से भी कि जब भी दो फरीक आपस में लड़ते हैं तो बज़ाहिर ऐसा ही नजर आता है कि दो ग्रोह लड़ रहे हैं, दो तरह के हथियार आपस में लड़ रहे हैं, या दो तरह के जो अजहान हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि जब भी जंग होती है ना तो दो नज़रियात के दरमियान जंग होती है, और ये जंग जो हक और बातिल के दरमियान है
इसकी हिस्ट्री बहुत ही तवील और कदीम है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरूज, चरागे मुस्तफ़वी से शरारे बूलाहबी। ये अल्लामा इकबाल ने फरमाया। तो जंग शुरू हो गई कि जब से कायनात बनी एक तरफ आले अकल आ गए, एक तरफ आले इश्क आ गए और उनके दरमियान जंग शुरू हो गई। इकबाल ने कहा अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। और पहला जो मरका हुआ वो सैयदना हजरत आदम सफीउल्लाह अलैहिस्सलाम को सजदा करने के मामले पर सरकश अजाजील जो है वो मद्दे मुकाबल आ गया और मारकाए इश्को अक्ल वजूद में आया। फिर उसके बाद ये सिलसिला आगे चलता है हाबील और काबील। फिर हम देखते हैं कि एक तरफ कम तोलने वाले बेईमान गैर सादिक और गैर अमीन, उनके मुकाबले में सैयदना हज़रत शुएब खड़े हैं। कभी हम देखते हैं कि कुफार ब मुकाबला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हमें मुकाबला करते हुए नज़र आते हैं। कभी हम देखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने घेर रखा है। कभी हम देखते हैं कि एक तरफ लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के रास्ते की तरफ बुला रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोग खड़े हैं कि जिनका अकीदा है हमारा जिस्म हमारी मर्जी। और टेम्पटेशन भी मौजूद है और ट्रैप्स भी मौजूद हैं। तो इनका मुकाबला जो है वो जारी और सारी है। फिर फिरौन और मूसा, फिरौन अपने तमाम जादूगरों को लेकर मुकाबले में आ गया और मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले हुआ। और यहां से आपका जवाब शुरू हो जाएगा कि गुब्बारा जो होता है ना, गुब्बारा वो फटने से एक लम्हा पहले तक बिल्कुल सालिम मालूम होता है। इसलिए एक शायर ने कहा कितने कम ज़र्फ हैं ये गुब्बारे, चंद फूंकों से फूल जाते हैं, इन्हीं फूंकों से फट भी सकते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। अब यही हुआ कि वो जहम था जादूगरों का और मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के मुकाबले आ गया तो हुआ वही जो अबदी उसूल अल्लाह ने बयान फरमाया कि जाल हक व जहक अल बातिल, हक आया और बातिल चला गया। इन अल बातिल काना जहूका, और बातिल की औकात यही है कि वो जाकर रहता है, उसने जाना ही होता है, उसकी औकात ही इतनी है। फिर आप पूछेंगे कि हक का मतलब क्या है? हक अल्लाह का नाम भी है, हक सच को भी कहते हैं, हक हमारा अल्लाह हक, हमारे रसूल हक, हमारा कुरान हक, हमारा काबा हक, हमारा दीन हक। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया युरीदूना
لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ, یہ 81 نمبر سورت ہے, 61 نمبر سورت سورہ الصف, اور اس کی 8 نمبر آیت. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ, کہ یہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. وَاللَّهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, کافروں کو یہ بات خواہ کتنی بھی بری لگے اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. تو ایک شاعر نے کہا نا, نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں. تو پھر ہاں ہاں, یہ واقعہ بھی تاریخ کا حصہ ہے جس کو نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ تمام انسانیت نے تاریخ کا عظیم ترین اور حیرت انگیز واقعہ جو عقل فہم ادراک کو گنگ کر دیتا ہے, حیران و پریشان کر دیتا ہے, ششتر کر دیتا ہے, کہ ہے ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ شاعر نے حیران ہو کر کہا کہ ہر دور کے یزید اسی غم میں مر گئے, ہر دور کے یزید اسی غم میں مر گئے, سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی, سر کٹ گیا حسین کا بیعت نہیں ملی. تو دو نظریات تھے جن کا آپس میں ٹکراؤ تھا, اور بظاہر آپ کو یہی نظر آیا نا کہ ایک طرف شہیدوں کی لائنیں لگ گئیں اور دوسری طرف قاتل دندنا رہے تھے, لیکن یہ شکست و فتح کے فیصلے اس طرح نہیں ہوتے. شکست و فتح کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ نظریہ کون سا جیتا. تو اس کے بعد آج عرصہ دراز گزر گیا, آج پوچھئے, کسی سے بھی پوچھ لیجئے کہ آج کس کا نظریہ باقی ہے, یزید علیہ ما علیہ اور امام عالی مقام اللہ کی ساری رحمتیں اور ساری برکتیں اور سارے انعامات ان کے ساتھ تھے, ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ میں نے تو اکثر دیکھا ہے کہ اگر حسینیت اور یزیدیت میں ایک ریئر قسم کا واقعہ نظر آ بھی جائے کہ آپس میں کوئی تقابل ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مخالفین ہوتے ہیں ان میں سے بھی کسی نہ کسی کا نام حسین نکل آتا ہے. لیکن یزید نام رکھتے ہوئے بھی شرماتے ہیں. تو پھر کون جیتا اور کون ہارا, اور یہ کہ کلمہ حق, شاعر نے کہا خون حسین کی قسم, دنیا ہے کربلا کا نام, لاکھوں یزید ہیں یہاں, کلمہ حق اٹھا کے دیکھ. تو ایک اور صاحب کہتے ہیں کہ خدا کے دین کا دشمن کسی بھی دور میں ہو, خدا کے دین کا دشمن کسی بھی دور میں ہو, تو کچھ مزید نہ کہنا, یزید کہہ دینا. تو یہ یزید ایک ایسی گلی بن گئی ایسی کہ جو بھی حق کے مقابلے میں آنے کی کوشش کرے اس کو یزید کہا جاتا ہے. اور باطل کی قسمت یہی ہے کہ اس نے چلے جانا ہوتا ہے. لیکن یہ اتنا سادہ عمل نہیں ہوتا.
ये बड़ा पेचीदा अमल है जिसको अल्लाह तबारक व तआला की 21 नंबर सूरत सूरह अंबिया में बयान फरमाया गया और उसकी 18 नंबर आयत है कि ये जाता कैसे है। फरमाया बल नक्सिफ बिल हक अलल बातिल फयदमगहु फइजा हुवा ज़ाहिक, कि हम हक को उठाकर बातिल के ऊपर दे मारते हैं और फयदमगहु तो उसका भेजा उसका दिमाग जो है वो बाहर निकल आता है, फइजा हुवा ज़ाहिक तब वो जाता है। तो साबिका जो तवारीख जिनका मैंने जिक्र किया वहां पे देख लें यही कुछ हुआ। कम अहलकना मिन करियतिम बतरत मईशतहा, बहुत सी ऐसी बस्तियां हमने हिलाक कर दी कि जिनको अपनी मईशत पर नाज था। फतिल का मसाकिनहुम लम तुस्कम मिन बादिहिम इल्ला कलीला, और फिर उसके बाद उन बस्तियों में रहने वाला भी कोई बाकी ना बसा। वकुन्ना नहनुल वारिसीन, और इसकी वजह यह थी कि वो अपने आप को वारिस समझ बैठे थे हालांकि वारिस हम थे और वारिस हम हैं। ये अल्लाह तबारक व ताला वारिस हैं, अजली और अबदी वारिस। तो ये मुख्तसर जवाब जो है मेरा ख्याल है कि काफी होगा मेरे दोस्त के लिए। तो वो ये कि जंग जब भी होती है तो उसका एक सेशन फैसला नहीं करता है, और दूसरी बात यह है कि किस तरफ कितने लोग हैं। इसमें बहुत बड़ा वाकया है सईदना हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का कि पूरे का पूरा किनान जो है बादशाह जो है उनका नमरूद उनके साथ सारे के सारे इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम वो बागी हैं और हर लिहाज से दलाइल में भी, और फिर उनको आग में फेंक के भी देख लिया शिकस्त खाई। तो इनका इलाज अब ये है कि इनको मुल्क बदर कर दिया जाए। तो जब उनको मुल्क बदर किया गया तो बज़ाहिर उधर भी एक बादशाहत थी और उस बादशाहत के कल पुर्जे भी थे, वज़रा भी थे, मुशीर भी थे, उदेदार भी थे, ब्यूरोक्रेसी भी होगी उस दौर के मुताबिक जो कुछ हुआ करती थी। बड़े बड़े उदों पर बड़े बड़े नामवर लोग हुआ करते थे। लेकिन आज तारीख में कुछ तो बताए ना कि फलां जो है वो नंबरदार था, फलां जो है वो वजीर आला था, फलां जो है वो गवर्नर था इस इलाके का। तारीख ने उनके नाम तक याद नहीं रखे। तो पता ये चलता है कि अगरचे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम मुल्क बदर जब उनको किया गया तो शहर वालों ने, मुल्क वालों ने, किनान वालों ने, इराक वालों ने ये समझा कि हमारी फतह हो गई और हम बाकी रहेंगे और तबाह बर्बाद हमने अपनी तरफ से कर दिया। माज़ल्ला माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला अल्लाह के खलील को इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। लेकिन ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो आप नताइज से देखें कि आज मुकाबला है बाकायदा, आज तक मुकाबला है कि यहूदी कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे हैं, ईसाई कहते हैं कि हमारे हैं, मुसलमान कहते हैं कि हमारे हैं, और मुसलमानों के तो हैं ही। अल्लाह ने फैसला फरमा दिया कुरान पाक में कि ये नबी उनके वारिस है और मोमिनीन क्योंकि ये उनका इत्तबा करते हैं। तो मूरिस और वरासत का फैसला इत्तबा से होता है। तो इत्तबा करने वाले जो हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम,
उनके वारिस जो हैं वो मुसलमान हैं, ये अब बात मैंने कर दी, फिर जिसके ऊपर सवालात उठ सकते हैं। तो ये साहब जो है, इन्होंने बड़ा प्यारा सवाल किया था, मैं यही कहूँगा अपनी अपने फहम के मुताबिक। वो कहते थे कि आपने गुज़िश्ता लेक्चर में ये बात की थी कि डिवाइन रिलीजन्स यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम है, तो फिर इस्लाम को ही हम क्यों फोकियत दें? तो यहूदियत भी तो अल्लाह का दिया भेजा हुआ दीन है, ईसाइयत भी तो अल्लाह का भेजा हुआ दीन है, और अब इस्लाम भी, तो क्यों ना ये समझें कि ये सारे अल्लाह के दीन हैं। लेकिन एक मिसाल आप समझिए, आपको पूरी समझ आ जाएगी कि एक दरिया जो कश्मीर से निकलता है, तो कश्मीर में उसका एक आप सैंपल पानी का कलेक्ट कीजिए, और फिर झेलम पे आके ना, वही दरिया जो दरिया झेलम उधर भी था, यहां भी दरिया झेलम है, दूसरा सैंपल यहां से ले लीजिए और फिर इनको लेबॉरेटरी में ले जाइए और तजिया करवाइए, तो पता चल जाएगा कि बहुत बड़ा फर्क आ गया है। फर्क यह है कि नाम दोनों का एक ही है, दरियाए जेलम का पानी, लेकिन जो अपने मंबा के जितना करीब होता है ना, वो उतना ही खालिस होता है। तो मंबा से जितना दूर होता चला जाता है, उतना ही खराब होता चला जाता है। लेकिन अगर मंबा ही आलूदा हो जाए, तो फिर बाकी क्या कुछ बाकी रहेगा उसमें, कशिश क्या बाकी रहेगी, हकीकत क्या बाकी रहेगी? तो ये काम किया उन लोगों ने जो उन अदियान के मानने वाले थे, ये बुरा काम उन्हीं के हाथों से सरंजाम पाया, और उन्होंने अल्लाह के फरमुदात में मिलावटें की और अपने अदियान को आलूदा किया। लेकिन जब कुरान पाक नाजिल हुआ, तो इसका जो मंबा है वो कुरान पाक है, इसको सपोर्ट अहादीस भी करती हैं और उलमा के और सूफिया इकराम के अकवाल भी करते हैं। लेकिन असल मंबा जो है वो तो कुरान पाक है, और अल्लाह तबारक व तआला ने ये किसी पर छोड़ा ही नहीं कि इंसान जो है वो है ही इसी फितरत के मालिक कि आप खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं, कि खुद नहीं इन्होंने बदलना है, इंसान खुद नहीं बदलते, बल्कि अल्लाह की अहकामात जो हैं, अल्लाह के अहकामात, उसमें तब्दीलियां करने की सही करते हैं, कोशिश करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना नहनो नज़ल न ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, कि इस कुरान पाक को हमने ही नाजिल फरमाया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, और अल्लाह तबारक व ताला ने इसकी हिफाजत फरमाई, जिसका जिंदा सबूत यह है कि गैर मुस्लिमों ने भी ये रिसर्च करके देखा कि जिस तरह बहुत सारे जो है वेरिएंट्स पाए जाते हैं तौरात में, इंजील में, तो क्या कुरान में भी मौजूद हैं। तो बिल आखिर जो नतीजा आया वो आपके सामने है कि एक ही कुरान है। इसके पूरे हवाले ओटावा यूनिवर्सिटी के या बाकी जो माहरीन हैं उनके भी आपके सामने पेश किए जा सकते हैं, लेकिन मुख्तसर बात यह है कि ये कुरान ही है जो असली मंबा है। और दूसरी बात यह है कि जिन किताबों को अल्लाह ने नाजिल ही इसीलिए किया था कि कुछ दौर के लिए, और उनके मुखातिबीन भी एक कौम थी और कुछ इलाका था, इसके मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान पाक नाजिल फरमाया, उसमें वो उस अल्लाह का तारफ़ करवाया गया जो रब्बुल आलमीन है पहली आयत में, और कुरान पाक को ज़िक्रुल आलमीन कहा गया, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है रहमतुल लिल आलमीन, त
तमाम जहानों के लिए रहमत, तमाम जहानों के लिए कुरान मजीद जिक्र, और हुदल नास काबा जो है वो तमाम इंसानों के लिए हिदायत, और अल्लाह जो है वो तमाम जहानों का रब। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, और थोड़ा सा हमारा कंसेप्ट क्लियर होने के लिए बाज़ बातें वक्ती होती हैं और हम उनसे धोखा खा जाते हैं कि सच मार खा गया। अल्लाह के फैसले ला तब्दील ले कलिमातिल्लाह, अल्लाह के फैसले बड़े अटल होते हैं। अल्लाह तबारक व ताला सबसे बड़ा ज़र्फ रखने वाली ज़ात है, उससे बड़ी ज़ात कोई नहीं है। वो बर्दाश्त की जितनी इंसानों में हद होती है उससे बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करता है, लेकिन जब वो पकड़ता है तो इरशाद फरमाया इन बदश रब कला शदीद, बेशक अल्लाह ताला की पकड़ बड़ी सख्त होती है। हमें उस बुरे वक्त से डरना चाहिए कि हम में से कोई अल्लाह की पकड़ में ना आ जाए, और हमें अपने आप की इसलाह करनी चाहिए, खुद की इसलाह करनी चाहिए। और ये जो हक है, दीन हक है, ये जो कुरान है, ये सच है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, इनका तारुफ, इनकी सीरत और इनका पैगाम पूरी कायनात तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। ये अल्लाह की तरफ से हमारी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला इस ज़िम्मेदारी को भरपूर और आसान तरीके से सर अंजाम देने की हमें कुव्वत अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला